दोस्तों, प्रदोष व्रत क्या है आज हम उसके विषय में बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की तिथि शुरुआत 20 अप्रैल 2024 को रात 10:41 पर होगी और इसका समापन 22 अप्रैल 2024 को प्रातः 1:11 पर होगा। रवि प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को सुख, शांति और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अच्छी सेहत का वरदान देते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें और पूरे घर में छिड़काव करें ताकि घर शुद्ध हो जाए। फिर भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प लें। अब भगवान शिव को शमी के फूल, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाएं। दोस्तों, प्रदोष काल में उपवास सिर्फ हरे मूंग के सेवन का करना चाहिए। इसके अलावा आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने मनचाहे साथी से विवाह करना चाहते हैं। उन्हें इस शुभ दिन पर देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान और भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन अन्न दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन अन्न का दान करने से महादेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन उड़द की दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर पर चढ़े हुए धतूरे को उठाकर ले आएं और उसको एक लाल कपड़े में बांध कर आप अपने तिजोरी में डाल दें। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए।